फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फोन पे जब भी इनकमिंग कॉल आता है ना तो रिंगटोन की साउंड की आवाज तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है, आपका एक पेज आता है इसमें रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, ये गूगल फाइल का ऐप होता है, इसे फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें सबसे नीचे ना आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, तीन में से ब्राउज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है बीच वाला। ठीक है, तो आपका ये वाला पेज आएगा, इस पेज में आपको एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। आपको इस पेज में नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला एंड्रॉइड सिस्टम का, एंड्रॉइड सिस्टम के ठीक सामने थ्री डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है, आपका पेज ओपन होगा। इसमें आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है, तो आपका एंड्रॉइड सिस्टम का ऐप इन्फो का पेज आता है। इसमें आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है, इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आते से टैप करना है। अब आपको इसमें डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है, आपको जो है इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम करना क्या है, आपको जो मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड फैक्ट्री डेटा रीसेट पर टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लाएगा, फैक्ट्री डेटा रीसेट पर टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों आपके ना मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके फोन की कॉल जो है स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है,